बाल दोस्तों, स्टैंड अप सब्जेक्ट गुजराती में हमने लास्ट टाइम अच्छी सी एक पोएम सीखी थी, जिसमें आपको बहुत मजा आया होगा, पोएम नंबर 10। तो अब पोएम नंबर 10 की हम एक्सरसाइज आज देखेंगे। इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है 39, जहाँ पे एक्सरसाइज है स्वाध्याय अ, प्रश्नों ना उत्तर लिखो। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ तो क्या दिया है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के आंसर आपको वन सेंटेंस में लिखना है, तो आप भी आंसर लिखते जाइए, अ प्रश्न ना उत्तर लखो। नंबर एक, कौमुदी ने कागज पर शू दौरियो। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौमुदी ने अपने कागज पे क्या ड्रॉ किया, तो आंसर लिखिए चोरस। कौमुदी ने कागज पर चोरस दौरियो। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौमुदी नो चोरस जोईने कौन कौन हंसिया, उसका जो स्क्वायर था टेढ़ा मेढ़ा बना, तो उसको देखकर कौन कौन हंस रहा था, आपको मालूम है कौन हंसा था। आंसर लिखिए, कौमुदी नो चोरस जोईने तेना मम्मी दीदी अने सौरव हंसवा लाग्या। अब है नंबर 3, पप्पाए कौमुदी पासे शू शू मंगाव्यू। आंसर लिखिए, पप्पाए कौमुदी पासे कागळ अने शाहीनो खड़ियो मंगाव्यो। नंबर 4, सरस चोरस कोणे दोर्यो। तो आंसर लिखिए, कौमुदीना पप्पाए सरस चोरस दोर्यो। नंबर 4 तक आपने आंसर तो लिख लिए। अब हम नीचे के क्वेश्चन में जाते हैं, वहाँ पे है ट्रू फॉल्स। नीचे ना वाक्यों खरा छे के खोटा छे ते लखो। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, वो राइट है कि रॉन्ग है वो आपको नक्की करना है, और यहाँ पे लिखना है। नंबर 1, कौमुदी ने कागज पर त्रिकोण दोर्यो, तो उसने त्रिकोण यानि कि ट्राइंगल बनाया था, तो आंसर है रॉन्ग, खोटू, क्योंकि उसने स्क्वायर यानि कि चौरस बनाया था। नंबर 2, सरस चौरस कौमुदीना पप्पाए दोर्यो, तो ये है राइट, खरु। अब देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन ई, आकृतियों में रंग पूरो तेमना नाम वाचो ने लखो। यहाँ पे आपको शेप दिए हैं 1, 2, 3 और 4, सबके जो नाम है वो आपको यहाँ पे सीखने हैं गुजराती में। फर्स्ट पिक्चर है सर्कल का, यानी कि ये राउंड यहाँ पे शेप दिया है, तो उसे गुजराती में कहते हैं वर्तुड़। क्या कहते हैं? वर्तुड़। तो ये आपको वन टाइम यहाँ पे लिखना भी है। कैसे लिखना है? वर्तुड़, और तू लिख के यहाँ पे आपको रेफ बनाना है। अब देखते हैं दूसरा शेप, तो वहाँ पे है ट्राइंगल। ट्राइंगल को गुजराती में कहते हैं त्रिकोण, त्रिकोण, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ये शेप आपको समझ में आया, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब है यहाँ पे रेक्टेंगल, तो उसे गुजराती में कहते हैं लंब चौरस, लंब चौरस, यहाँ पे लिख दिया। अब है लंब गोल, जैसे आपने यहाँ पे गोल यानी कि वर्तुड़ देखा, ये है लंब गोल यानी कि ओवल शेप। तो ये चारों शेप आपने देख लिए, आपको भी यहाँ तक अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है।